नमस्कार दर्शकों, मैं संध्या जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। नए साल का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक उमंग भर जाती है। लोग नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सोचते हैं कि जो गलतियाँ उन्होंने इस साल की हैं वो आने वाले साल में नहीं करेंगे। नए साल में सब कुछ नया होगा। तो चलिए, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में नव वर्ष कब मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। भारत में नए साल का जश्न अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। पंजाब में नया साल बैसाखी के रूप में 13 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं सिख धर्म को मनाने वाले लोग इसे नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मार्च में होली के दूसरे दिन मनाते हैं और जैन धर्म के लोग नव वर्ष को दिवाली के अगले दिन मनाते हैं। वहीं इस्लामी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम के महीने की पहली तारीख को नया साल हिजरी शुरू होता है। इसी के साथ हिंदू धर्म में नए साल की शुरुआत चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए इस दिन से नए साल का आरंभ होता है। चलिए जानते हैं हिंदू नववर्ष का इतिहास क्या है। हिंदू नववर्ष को मनाने के पीछे ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, प्राकृतिक कारण क्या है जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक कारण के बारे में। हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। इस कैलेंडर की शुरुआत भारत के एक महान सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा शंकों को पराजित करने और राज्य अभिषेक के अवसर पर 98 ईसा पूर्व में की गई थी। हर साल विक्रम संवत के आधार पर हिंदू नव वर्ष चैत्र माह में शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। अब बात करते हैं पौराणिक कारण के बारे में। माना जाता है कि इस दिन प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ था और इस दिवस के अवसर पर ही प्रभु राम ने बालिका वध किया था। इसके साथ ही धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक दिवस भी हिंदू नववर्ष के दिन माना जाता है। साथ ही नवरात्र की शुरुआत भी नववर्ष से मानी जाती है। बात करते हैं आध्यात्मिक कारण के बारे में। हिंदू नववर्ष के अवसर पर जीवन में नवीनता और उत्साह की शुरुआत मानी जाती है और भारतीय अध्यात्म में नवीनता और बदलाव को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ऐसे में नववर्ष को जीवन में नवीन शुरुआत के आरंभ के रूप में भी माना जाता है। आइए जानते हैं प्राकृतिक कारण के बारे में। हिंदू नववर्ष हमारे देश में वसंत ऋतु के आगमन का अवसर होता है। ऐसे में प्रकृति में चारों ओर हरियाली छाई रहती है। शरद ऋतु के पतझड़ के बाद वृक्षों पर नए कोपले जीवन की नवीनता का संदेश देती है। चारों ओर नए फूल, फल और पत्तियां मानो नए साल का स्वागत करती है। ये संदेश लेकर आती है कि जीवन में कुशलता बनी रहे। दर्शकों, आज के हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है और आज माता रानी आप सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे अपना खास कार्यक्रम। नमस्कार।